हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती होंगी आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम बात करेंगे लोकल ब्रांड। लोकल मतलब ब्रांड तो नहीं कह सकते इनको, ब्रांड इन्होंने बना ही लिया है तकरीबन हर जगह, हर देहात में, हर बैकवर्ड एरियाज। और आजकल तो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं ये जो क्रीम्स हैं, लोकल क्रीम्स हैं, जो स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने में बहुत कमाल किरदार अदा कर रही हैं, बहुत ही कमाल किरदार अदा कर रही हैं। और लेकिन कुछ लोग हैं जिनका इनके बगैर गुजारा नहीं है, वो लोग यूज़ करते हैं और उनको चाहिए कि अपनी स्किन को साथ साथ मॉइस्चराइज़ करें, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते रहें स्किन को, ताकि उनकी स्किन एजिंग की तरफ ना जाए। ये बेसिक जो ये दोनों क्रीम्स होती हैं, ये एक तो ये ड्यू है, वैसे तो इनको लगाते ही आप गोरी हो जाती हैं हेमा मालिनी की तरह। अच्छा, ये देखें, ये अरीना गोल्ड है, ये भी अच्छी है, अच्छी है। मतलब कि मैं तो, अगर आप कहें कि मैं यूज़ करूँगी, नहीं, मैं ये बिल्कुल क्रीम्स यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी स्किन से बहुत प्यार है। और जब स्किन ख़राब हो जाती है ना, तो वो अरसा दराज तक समझ लें कि बंदे को ख्वार करती है, ठीक नहीं होती है। लेकिन एक मेरे मिलने वाली हैं, वो ये यूज़ करती हैं, उन लोगों का इस क्रीम के बगैर कोई गुजारा नहीं है, लिहाजा वो ये क्रीम्स मिक्स करके यूज़ करती हैं। ये ड्यू क्रीम है, ये मुझे मिली है कोई 280 रुपीज़ की। ये मैं आपको दिखाऊं ये कैसी दिखती है अंदर से। लेकिन जो क्रीम्स 150 150 200 200 वाली आई हुई है ना, उनकी निस्बत मुझे ये क्रीम कुछ, इसका जो यूज़ होता है, जो लोग यूज़ करते हैं, सॉरी मैं खोल लूँ ज़रा इसे आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, ये देखें, उनकी निस्बत ये अच्छी क्यों होती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना खाल नहीं उतारती आपकी स्किन की, आपकी स्किन को तबाह बर्बाद ज़रा कम करती है। वैसे काम ये भी वही करती है जो और क्रीम्स करती हैं। ये तो हो गई ना ग्रीन ओ ग्रीन, ठीक है। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ आपको अरीना गोल्ड, ये हो गई, ठीक हो गया। ये साथ में इन्होंने अपना पर्चा वर्चा भी दिया हुआ है कि 2 दिन में गोरे हो जाएं, लगाएं और अपनी खलड़ी उतारें। चलें जी, अगर आपने ये क्रीम्स यूज़ करनी है, आपका कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है ना आपकी लाइफ में इनके बगैर ज़िंदा रहने का, तो यार आप 3 दिन यूज़ करें, 4 दिन आप स्किन को रिलैक्स करें, मॉइस्चराइज लाजमी करें, और इसके साथ साथ स्किन के साथ प्यार करें। स्किन आपकी अपनी है, स्किन को बर्बाद मत करें। चलें जी, अब मैं बताती हूँ आपको इसका मैं बनाने का तरीका। ये आप अपने हाथों और पैरों पे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये उनको कुछ नहीं कहती है, लेकिन मैं अपने हाथों पैरों पे भी यूज़ नहीं करती हूँ। वो इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ कि ये इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, फिर जितनी ज़्यादा ये बर्बाद होती है। चलें, ये अरीना गोल्ड जो है ना, ये मैंने हाफ ली है, ये देखें, ये जो वो लगाई फेस पे ही लगाएंगी वो, जिस वाइटनिंग तो ये देती है, वाइटनिंग ये देती है, इसमें कोई शक नहीं है। वाइटनिंग ये कुछ अरसे में ही आपको चिटा 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 कर देती है, लेकिन वो हेल्दी वाला चिटापन नहीं होता है, हेल्दी वाला चिटापन नहीं होता है। जो लोग समझते हैं, जिनको पता है स्किन के बारे में कि हेल्दी वाला चिटापन कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो ये नहीं यूज़ करते। अच्छा जी, ये लें जी, ये अरीना गोल्ड हाफ डाली और ये मैंने पूरी डाली, क्योंकि ये कोई ख़ास जिल्द को छिलती विलती नहीं है, ये और क्रीमों से अच्छी है। मतलब कि जिनका गुजारा नहीं है, जो नहीं जी सकते इस ऑक्सीजन के बगैर, वो इस तरह यूज़ कर सकते हैं इसका। ठीक हो गया, एलर्जी सारी प्यारती है, एलर्जी मुक गई है, ये देखो मुक गई है जनाब। ये 280 की है, और ये इससे का इन ये 170 की है अरीना गोल्ड, ठीक हो गया। ये हाथों पैरों के लिए भी आती है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, ये इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ताकि स्किन को थोड़ा सा ये देखें, ये भी डाल रही हूँ विटामिन। ओए कितने गए हुए, कितने गए हुए। चलें जी, ये हो गया, ठीक है। इसमें मैंने दो दो ये डाले हैं, बाकी तो बस ये क्रीम है, ये देखें, ठीक हो गया। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद वो बाजी अपने जो है ना फेस पे लगाएंगी, जिनका इनके बगैर गुजारा नहीं है। वैसे जो बाजियाँ लगाती हैं ना, जिनको इनके बगैर चैन नहीं आता ना, वो बाजियाँ ये वाली क्रीम भी यूज़ कर सक ओ किधर गई ये वाली क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं।
पिंक एंड फेयर, इसका भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है, ये भी अच्छी क्रीम है लेकिन ये आपकी स्किन को ड्राई कर देती है। इसके साथ आपको गुड वाला जो है ना मॉइस्चराइज लाजमी, स्किन मॉइस्चराइज रखें, लाजमी रखें, आपकी कोई भी एज है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, अपनी स्किन को आवश्यक, अगर कुछ नहीं है ना आपके घर में तो अगर आपने मॉइस्चराइजर अच्छे वाला नहीं लिया हुआ, गर्मी आजकल गर्मियों में भी करें, आप अपने दूध स्किन पे दूध लगा लें, आप रात को कोकोनट ऑयल आइस के गिर्द उसका अच्छे से मसाज कर दें, जो रिंग वाली फिंगर होती है उसके साथ रिंकल्स नहीं आएंगे आपके। आप अगर स्किन, आप कोई भी चीज़ है जिसका आप ख्याल रखना छोड़ दें, कुछ भी है तो वो चीज़ ख़राब होती ही होती है, लिहाजा आप अपनी स्किन की केयर करेंगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। चलें, ये पिंक एंड फेयर क्रीम है, ये मेडिकेटेड होती है, मतलब कि आपको मेडिकल स्टोर से ही मिलती है, और ये भी वाइटनिंग प्रोवाइड करती है आपको, और अच्छी वाइटनिंग प्रोवाइड करती है ये, बहुत ज़्यादा 3 दिन वाली नहीं करती है, लेकिन ये क्रीम 3 दिन वाली करती है, जो लोग कर सकते हैं यूज़ अपनी केयर के साथ वो यूज़ करें, मैं ये क्रीम कभी यूज़ नहीं करूँगी। हाँ, ये वाली क्रीम मैं यूज़ करती होती हूँ पिंक एंड फेयर, और ये मैं क्रीम अक्सर अपने यूज़ में रखती हूँ, लेकिन आजकल मैं क्या यूज़ कर रही हूँ मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आजकल मैंने जो सीरम्स और वो यूज़ कर रही हूँ वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। बस ये व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ।